रामपुर में उपचुनाव के लिए 21 को वोटिंग होनी है। जहां एक तरफ आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा चुनाव मैदान में है, जिसको लेकर आजम खान की साख दांव पर है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भारत भूषण गुप्ता को मैदान में उतारा है। बीजेपी से 18 अक्टूबर को सीएम योगी को भी रामपुर प्रचार के लिए आने वाले है। ऐसे में आजम खान ने तजीम फातिमा के प्रसार का खुद मोर्चा संभाल रखा है, जिसके चलते देर रात हुई एक जनसभा में आजम खान ने सीएम योगी को आड़े हाथों लिया। मंच से उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार और योगी सरकार के कार्यकाल की तुलना की। साथ ही आजम खान ने अपने ऊपर लगे आरोप का भी जिक्र किया। रामपुर से सांसद आजम खान ने कहा कि मेरी सरकार ने यहाँ 250 करोड़ रुपए लगाए थे। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप भी 18 तारीख को रामपुर पहुंच रहे हैं, बात तो तब बनेगी जब आप 25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान कर देंगे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 88 डकैती के मुकदमे हैं, मेरे सभी करीबियों पर मुकदमे हैं, मेरे घर परिवार की इज्जत दांव पर लगी है, पर अब हम हार नहीं मानेंगे। ये आंखों के आंसू उस दर्द के आंसू है जो मैंने और मेरे परिवार ने सही है। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं, क्या रामपुर को रंगून बनाना चाहते हैं। आजम खान ने लोगों से कहा कि इतना होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी है, क्योंकि हिम्मत करने से जुल्म मिटता है और जुल्म के साथ जालिम भी मिटता है। आजम खान ने कहा कि 21 तारीख को डरना मत, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी का दिन होगा। कहां ले गए राम को? एक धर्म के पूजनीय भगवान को कहां ले गए आप? राम से मुसलमानों का झगड़ा कराना चाहा आपने, लेकिन हमारा कोई झगड़ा न था, ना है, ना होगा। आप अपने धर्म के साथ खुश, मैं अपने मजहब के साथ खुश, यही हिंदुस्तान की आपने कहा कि दिवाली पर बिजली नहीं मिलती, ईद पर मिलती है। मेरे अल्लाह, ऐसा कहने वालों की जबान कायम कैसे रहती? झूठ की कोई इंतहा तो होगी। आप सिवैयों में और होली के रंगों में फर्क करेंगे? आप कब्रस्तान की दीवारों में और शमशान की दीवारों में झगड़ा करेंगे? ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब 1942 में लोगों ने नहीं देखा था, 1945 में भी नहीं देखा था, 44 में भी नहीं देखा था, 45, 46 और 47 में भी नहीं देखा था। अगर ऐसा देखा होता तो बापू का कत्ल नहीं होता, बापू की हत्या नहीं होती, क्योंकि हिंदुस्तान सबका था और इसी नाम पर बंटवारा भी हुआ था कि जो मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब के मुल्क में चले जाएं और जो दस्तूर और कानून और संविधान के मानने वाले हैं वो हिंदुस्तान में रह जाएं। हम इसलिए रुके थे हिंदुस्तान में, हम इसलिए नहीं रुके थे कि सड़कों पर बेगुनाहों को मार दिया जाए। हम इसलिए रुके थे कि यहां हमारी मस्जिद आए, या गोरखनाथ का मंदिर आए, या गुरुद्वारे से गुरबानी होती है, या अल्लाह अकबर की अजानें होती हैं, यहां हमारे बुजुर्गों की मजारात हैं, हमारे अजदाद की कब्रें हैं, इसलिए रुके थे हम। यहां ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, इसलिए रुके थे हम। यही सिला था हमारे रुकने का, यही नतीजा मिला हमें। लेकिन याद रखना, मैं फिर उसी जुमले को दोहराता हूं, जमीन वालों के साथ इंसाफ करो, और अगर तुम जमीन वालों के साथ इंसाफ नहीं करोगे तो फिर आसमान वाला इंसाफ करेगा, और जब इंसाफ आसमान वाला करेगा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मत मजबूर करो उस आसमान वाले को, मत मजबूर करो उसे, जिद मत दिलाओ, इंसानियत और इंसान पर इतना जुल्म मत करो कि लोग आजीज आ जाएं बद्दुआएं करने के लिए, उनके दामन आसमान की तरफ न उठ जाए, उनकी आंखें ऐसी न निकले कि जब तक आसमान उनकी आंखों को सुन न ले, आसमान का लरजना रुके ना। मत लाओ।
ये आंसू मेरी आंखों के उस दर्द के आंसू हैं जो मैंने सहाए। सुन नहीं सकोगे दास्तान, कुछ ऐसी ही दास्तान है जब बहादुर शाह जफर के तीन बच्चों के सर नाश्ता बतौर चांदी की थाल में रखकर लाल दुशाला ढककर अंग्रेजों ने रंगून की जेल में भेजे थे। क्या चाहते हो, क्या वो अंजाम चाहते हो हमारा? हमारे लिए क्या रामपुर को रंगून बनाना चाहते हो? हमारी नस्ल के लिए क्या फैसला लिया है आपने? क्या इसी दिन के लिए तमाम जिंदगी की खुशियां छोड़कर तुम्हारी आजादी, तुम्हारी खुददारी, तुम्हारे वकार, तुम्हारी रोजी, तुम्हारी खुशहाली की लड़ाई लड़ी थी तुमने? इसी दिन के लिए हमें साथ चाहिए, मुस्लिमों का नहीं, कायरों का नहीं, हमें साथ चाहिए जिंदा लोगों का, हमें साथ चाहिए उनका जिन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बहुत बेंथाई, बहुत मारा है, अभी उतना नहीं मारा है, न जाने किस दिन से पिटाई शुरू होगी, बहुत मारा है। अब तक मुसलमानों के घरों पर दबिशें थी, मुसलमानों पर मुकदमे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेरे मोहतरम, हमें तो तुम कहते थे हो कि पाकिस्तान चले जाओ, हमारा स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, लेकिन मेरे हिंदू बच्चे कहां जाएंगे जिनके घरों पर रात को दबिशें मार रहे हैं? मेरे हिंदू वर्कर कहां जाएंगे, कहां जाएंगे मेरे हिंदू साथी? और याद रखना, मेरे हर एजेंट को धमकाया है कि वो घर से नहीं निकलेगा, अगर नहीं निकलेगा तो न निकले, लेकिन याद रहे मशीन पर खुद ब खुद बटन दब जाएगा और ये कहेगा कि राम कृष्ण तो नहीं आ सके लेकिन राम को भी नहीं रोका जा सकता और कृष्ण को भी कैद नहीं किया जा सका। कंस के लिए कृष्ण जरूर। अजीतपुर के लोगों, मैं आपसे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, न उत्तर प्रदेश की, न जिले रामपुर की, आओ अजीतपुर की बात कर लो। ढाई बरस हो गए, ढाई कौड़ी नहीं लगी है तुम्हारे इलाके में, ढाई कौड़ी नहीं लगी है। और मालूम है कितने पैसे लगाए थे मेरी सरकार ने, बताओ? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़ रुपया लगाया है इस इलाके में मैंने, 250 करोड़। मुख्यमंत्री साहब, आप तशरीफ लाने वाले हैं 18 तारीख को, बात तो जब है, मैं छोटा सा एमएलए, 250 करोड़, आप 2500 करोड़ का ऐलान करके जाइए, तब होगी बात। मैं चोर, मैं डाकू, मेरी बीवी डाकू, मेरे बेटे डाकू, मेरी 7 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बेवा बहन, इज्तिमा करने वाली, नमाज पढ़ के उठी, खाना खाने बैठी, पुलिस घसीटती हुई थाने ले गई, वो डाकू। मेरी मरी हुई मां, मेरी मरी हुई मां मुजरिम, ये इंसाफ? 4.25 बीघा जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन में लकीर खिंच जाए तो पता न चले ये कहां है, जुल्म की कोई इंतहा भी है? अरे मैं गरीब का दिल दुखाऊंगा।
और आज जब हालात यह है कि 88 डकैती के मुकदमे मेरे ऊपर और 20-25 मेरी अहलिया पर, मेरे बच्चों पर, मेरी मरी मां पर, मेरे बुजुर्ग भाई पर, उसके बच्चे पर, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे कार्यकर्ता, मेरा चेयरमैन, मेरी चेयरपर्सन, मेरा अध्यक्ष, मेरे नेता, सैकड़ों लोगों पर मुकदमे हैं, उस वक्त मैंने फिर दांव पर लगाया है अपने घर की इज्जत। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।